सारी की सारी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को पॉज कर दीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए। और इससे क्या होगा, आपको एक अंदाजा आएगा सबसे पहले कि आप हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं मनीष आहुजा, ये है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो आपके साथ बात करता है आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं हिंदी और अंग्रेज़ी में हर 4th, 14th और 24th तारीख को नए वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूं कि आप कैसे अपना पैसा ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपने पेचेक से अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आपको इक्विटीज़ में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं। मैं ऑलमोस्ट पिछले 8 या 9 महीने से वीडियोस बना रहा हूं, तो अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊंगा तभी आपको एक नोटिफिकेशन आ पाएगा और आप वो वीडियोस तभी का तभी देख पाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसी आइडिया के बारे में जो हो सकता है आपको 2020 में बहुत सारे पैसे बचाने में मदद करे। ये ज़रूरी नहीं है कि इस आइडिया से आप सिर्फ 2020 में बहुत सारे पैसे बचाओगे, लेकिन ये सारे पैसे जो आप 2020 में बचाओगे ये 2021, 2022, 2023 हर साल आपको काम आएगा। और ये इसलिए है क्योंकि मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के बारे में। आज की तारीख में हर चीज़ सब्सक्रिप्शन पर मिलती है। आपका दूध सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के थ्रू आ सकता है, आपका वीडियो स्ट्रीमिंग जो होता है आपके एंटरटेनमेंट के लिए वो एक बहुत पॉपुलर स्ट्रीमिंग सर्विस से आता है, आपके घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें, आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आज की तारीख में आप कोई भी सर्विस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंटरनेशनल कंट्रीज़ में सब्सक्रिप्शन सर्विसेज इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं कि लोग अपने अंडरगारमेंट्स भी सब्सक्रिप्शन सर्विस पे मंगवाते हैं। हर महीने उनके घर पे एक नया बॉक्स आता है जिसमें उनके लिए नए सॉक्स, अंडरगारमेंट्स आते हैं जो वो यूज़ करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सब्सक्रिप्शन सर्विसेज गलत है, नहीं, मैं खुद काफ़ी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज का मेंबर हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2020 चालू होने के पहले अगर आप चाहें तो आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं इस पर्टिकुलर आइडिया से। सिर्फ अपनी सारी की सारी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को पॉज कर दीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए। इन सारी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को डीएक्टिवेट करना बहुत ही आसान होता है। और इससे क्या होगा, आपको एक अंदाज़ा आएगा सबसे पहले कि आप कितने सर्विसेज को सब्सक्राइब कर चुके हो। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज का सबसे बड़ा फ़ायदा कंपनीज को होता है और उसका काफ़ी नुकसान होता है उन कंज्यूमर्स को जो एक बार सब्सक्राइब कर तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने हर महीने का 200, 400, 500, 1000 रुपये के सब्सक्रिप्शन का कमिटमेंट किया हुआ है। और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज का एक और फ़ायदा ये होता है कि लोगों को लगता है कि इससे लाइफ बहुत ईजी हो गई है, लेकिन ये हमको बहुत लेज़ी भी बना देता है। सारी की सारी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज पिछले 5 या 7 या 8 सालों में आई है। इंडिया में तो ये काफ़ी सर्विसेज अब तक अच्छी तरह से एस्टैब्लिश भी नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई म्यूज़िक स्ट्रीमिंग के लिए, कोई वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, कोई एसेंशियल सर्विसेज के लिए, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है। एटलीस्ट मेरे आसपास के सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कम से कम 3 या 4 अलग अलग सब्सक्रिप्शन सर्विसेज पे साइंड अप हैं। इन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को डीएक्टिवेट करने से ये होगा कि 2020 में आपको रियलाइज़ होगा कि अनलेस एंड अनटिल आपको किसी सर्विस का ज़रूरत नहीं है तो उसको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप इमेजिन कीजिए अगर आप इस एक्सरसाइज से हर महीने के 200, 400, 500, 600 रुपये बचाते हो, अगर आप ये 500 रुपये बचाते हो तो पूरे साल में आपने 6000 रुपये बचाए हैं। लेकिन इससे आपको एक और सीख मिलेगी कि यही 6000 रुपये आप 2020, 2021, 2022, 2023 में भी खर्च करते अगर आप इन सर्विसेज से डीएक्टिवेट ना करते। तो उस हिसाब से मेरे आपको कहने का मतलब ये है कि सब्सक्रिप्शन सर्विसेज पे सिर्फ और सिर्फ तभी ही सब्सक्राइब कीजिए जब आपको उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर हो सके तो मंथली रिन्यूअल वाले प्लान्स लीजिए। उनका जो साल का सब्सक्रिप्शन होता है उसमें आपको लगता है कि आप बहुत पैसे बचाओगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कितनी बार आप उन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हो और भूल जाते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और 2020 को स्टार्ट करते करते आप अपनी एक प्रॉफिटेबल स्टार्ट करोगे, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्न्ड, जिसका मतलब ये है आप हर पैसा जो बचाते हो वो आपकी कमाई ही है। तो बस पेचेक प्रोस आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।